हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नी प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह का कपड़ा है। जो इस कपड़े की लंबाई है, जिस साइड को हमें प्लाजो की लंबाई रखनी है, वो है 24 इंच। कपड़े की जो लंबाई है वो 24 इंच है। अब मैं इस तरह से कपड़े को 4th लेयर में कर लूँगी। देखिए इस तरह से, जब हम इसको 4th लेयर में करेंगे तो कपड़े की जो लंबाई है वो 13 इंच होगी। चौड़ाई जो है वो 13 इंच होगी। इस तरह से हम इस कपड़े को 4th लेयर में रखेंगे, ऐसे देखिए। तो ये इस तरह से 13 इंच होगी और लंबाई होगी 24 इंच। तो पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो इसका मेजरमेंट है वो ये है। तो इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है, इसको हम जब 4th लेयर में रखा तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 13 इंच। प्लाजो पैंट की हम लंबाई और चौड़ाई पेपर पर समझेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो मेरा प्लाजो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो इसकी जो फुल लेंथ होगी वो होगी 21 इंच। प्लाजो की सिलने के बाद जो फुल लेंथ होगी वो 21 इंच होगी। तो इसमें मैंने 3 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी कपड़ा, तो ये हो जाएगा 24 इंच। 2 इंच तो ऊपर नेफे में आएगा और 1 इंच नीचे पोछों की सिलाई में आएगा। तो ये लेना है हमें 24 इंच। इस तरह से कपड़े की जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 24 इंच। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए, 1 इंच तो ये यहाँ पर आएगा और 2 इंच ये ऊपर नेफे में आएगा। तो इसलिए कपड़े की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 24 इंच। अब जो इसका घेर होगा पोछे का, वो तैयार घेर की जो लंबाई होगी वो होगी 12 इंच। तो 12 इंच में मैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से 13 इंच। इस तरह से जब हम इसको 4th लेयर में रखेंगे तो ये 13 इंच हो जाएगा कपड़ा मोड़ने के बाद। तो ये हो गया। अब ऊपर कमर, तो जो कमर है मेरी वो है 30 इंच। तो 30 इंच में मैं 4 या 6 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने इसमें 6 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए रखा है। तो 30 में जब हम 6 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंच, 36। तो कपड़े पर कटिंग करने के लिए हमें 36 इंच का चौथाई भाग लेना होता है। तो 36 इंच का चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो इस तरह से देखिए, हमें चौथाई भाग किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये 36 इंच है, कमर की जो लंबाई है वो 36 इंच है। तो इस तरह से इसको डबल करेंगे कपड़े को, फिर दोबारा से डबल करेंगे, तो ये इस तरह से 36 इंच का चौथाई भाग निकल कर आएगा 9 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 9 इंच का निशान लगाना है जब हम कपड़े को डबल करके कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले मैं बेल्ट का निशान लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो जो ये कपड़ा है, कपड़े की एक साइड तो खुली हुई है और एक साइड बंद है कपड़े की। तो इस तरह से मैं पहले बेल्ट का निशान लगा लूँगी इस तरह से 2 इंच का, और नीचे 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से 1 इंच। ये जो कपड़ा है मार्जिन के लिए अंदर को सिलाई में जाएगा पोछे की साइड को। अब इस तरह से हम कमर का निशान लगाएंगे 9 इंच। जैसे 36 इंच का 4th भाग हुआ 9 इंच, तो इस तरह से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर लगाना है जो ये बेल्ट का निशान है। इस निशान से फिर हम नीचे को लगाएंगे 9 इंच। अब इधर भी 9 इंच। जो आसन का निशान लगाना है वो लगाना है जो साइड कपड़े की खुली हुई है। फिर इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेंगे 9 इंच का। इस तरह से देखिए, खुली साइड है, इधर ही मैंने आसन का निशान लगाया है। तो ये इस तरह से हमने ये एक स्क्वायर बना लिया है 9 इंच का, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ये 9 इंच का स्क्वायर है। अब हमें क्रोच एरिया के लिए निशान लगाना है यहाँ पर, देखिए। तो ये इस तरह से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी, ऐसे देखिए, आगे को 2 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये इस तरह से 11 इंच हो जाएगा। तो ये इस तरह से 2 इंच जब मैंने आगे को बढ़ाया तो ये 11 इंच हो गया। फिर इस तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से गोलाई देंगे, ऐसे देखिए। ये इस तरह का ऊपर का हुआ। यहाँ पर तो देख सकते हो आप 9 इंच, यहाँ भी 9 इंच, नीचे को भी 9 इंच, 9 इंच। फिर ये यहाँ पर मैंने 2 इंच इस तरह से आगे को बढ़ाया क्रोच एरिया के लिए। फिर यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर ऐसे गोलाई दी इसमें। अब नीचे को कैसे करना है देखिए, यहाँ से चाहे तो आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हो, या आप इस तरह से स्केल से भी निशान लगा सकते हो। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ऐसे गोलाई देनी होती है, हल्की हल्की सी, ऐसे देखिए। फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे।
ऐसे, चाहे तो आप ऐसे ही निशान लगा सकते हो बिना स्केल के भी। फिर इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी होती है हमें प्लाजो में, तो वो भी हम स्केल से ही देंगे, चाहे तो आप हाथ से भी दे सकते हो। ऐसे देखिए, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से। तो जैसे ये है सेम, हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ पर ये हमने निशान लगाए हैं। तो ये इस तरह से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करना भी कितना आसान है, कोई भी इसकी इस तरह से इसकी कटिंग कर सकता है। तो ये इस तरह से ऊपर तक हम कटिंग कर लेंगे ऐसे, और नीचे की साइड भी मैं ये जो गोलाई दी थी यहाँ पर भी कटिंग कर लूँगी ऐसे। तो ये इस तरह से देख सकते हो आप, हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। कितना आसान तरीका था। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसकी ये दोनों साइड पर सिलाई करेंगे ऐसे देखिए, और ये इधर की साइड भी आधा आधा इंच पर इस तरह से सिलाई करेंगे दोनों साइड। तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई कर लेंगे इधर की साइड भी और ये दूसरी साइड भी। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग करेंगे, जैसे नीचे से कपड़ा दब जाए ऐसे देखिए, जहाँ जहाँ पर ये सिलाई की थी उसके ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, मैंने ये इस तरह का इलास्टिक लिया है। अब इस तरह से 2 इंच तक हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और फिर इस तरह से इलास्टिक को रखकर देखेंगे और फिर इसके बिल्कुल एकदम ऐसे देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम पूरी बेल्ट पर सिलाई कर लेंगे। और देखिए थोड़ा सा हम खुला हुआ पोर्शन रखेंगे जहां से हमको इलास्टिक को डालना है। अब इस तरह से हम नीचे की साइड पर भी निशान लगा करके सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए, ऐसे आधा आधा इंच सिलाई लगा करके, निशान लगा करके सॉरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दूसरे पोछे पर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम पोछे की नीचे की साइड सिलाई करेंगे ऐसे। पोछे को बैक साइड रखेंगे, प्लाजो को बैक साइड रखना है और फिर इस तरह से बैक साइड को ही मोड़ करके सिलाई कर देंगे ऐसे देखिए। ये चारों साइड में सिलाई इसी तरह से करनी है गोलाई में। इस तरह से मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे पोछे पर करनी है नीचे की साइड से। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरे पोछे पर भी कर लेंगे।
अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे यहाँ से। ये जो खुला हुआ पोर्शन था थोड़ा सा, वहीं से हम इलास्टिक को प्लाजो में डाल लेंगे। अब इस तरह से इलास्टिक को डालने के बाद दोनों साइड को इलास्टिक के ऐसे यहाँ पर रखेंगे ऊपर नीचे, और इस पर सिलाई कर देंगे ऐसे ऐसे। देखिए, तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब हम इसको राइट साइड करेंगे प्लाजो को। तो अब इसके लिए हम दो बेल्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 24 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। 24 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरह से इसको मोड़ करके सिलाई कर लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब इस पट्टी को डबल करेंगे और बीच से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दो पट्टियां बन जाएंगी। अब इस तरह से हमें दो पट्टियां और लेनी है, 4 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की। और एक साइड मैंने इस पर सिलाई कर ली है, पहले से कर रखी है, देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरह से। देखिए अब इसको इस तरह से रखना है, इसके ऊपर बेल्ट को ऐसे एक साइड को फिर इस तरह से डबल करेंगे ऐसे। देखिए अब इस तरह से इस पर हम निशान लगाएंगे ऐसे। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ जिस शेप में, आपको सेम ऐसे ही निशान लगाना है। और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है जहाँ जहाँ ये मैंने निशान लगाए हैं ऐसे। देखिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हम इसको राइट साइड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये लूप इसमें हम लगा लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी लूप लगा लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट तैयार हो जाएंगी। और ये लगानी किस तरह से है देखिए, इस तरह से जो ये सिलाई वाला ये पोर्शन है इस साइड से 2 इंच तो हम इधर निशान लगाएंगे और इससे 2 इंच इधर। अब बेल्ट को इस तरह से मोड़ना है और ये यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई करनी है ऐसे ही। दूसरी बेल्ट को रखना है इसके ऊपर और 2-3 बार सिलाई करनी है ये इस तरह से। देखिए इस तरह से 2-3 बार सिलाई इस पर करनी है। इस तरह से ऐसे ही हम दूसरी बेल्ट को लगा लेंगे जैसे ये बेल्ट लगाई है। तो ये देखिए मैंने दोनों बेल्ट को इलास्टिक के ऊपर लगा लिया है। और देखिए बनने के बाद यह प्लाजो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 21 इंच। तो इस तरह से आप घर पर प्लाजो बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।